आप घर में बैठ करके टाइपिंग के लिए कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइपिंग का बहुत ज़रूरत होता है और हर जगह आप जहाँ पे जाते हैं, अगर इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो टाइपिंग का ज़रूरत होता है, वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि टाइपिंग कोर्स आप घर में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी आपका जो टाइपिंग का जो इंटरव्यू होता है वो इसी सॉफ्टवेयर में होता है। और मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को आज मैं डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं टाइपिंग के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे टाइपिंग करते हैं। तो आइए हम लोग सीखिए। मेरे पास मैंने लिंक बना के रखा है, ये इस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे हम तो डायरेक्ट मेरा वो डाउनलोडिंग पेज खुल जाएगा टाइपिंग मास्टर का। आप लोग गूगल में भी जाके सर्च मार सकते हैं टाइपिंग मास्टर 10 करके, फ्री डाउनलोड, तो आपको ये मिल जाएगा। ऐसे मैं इस लिंक को आप लोग का मैं डाल दूंगा शेयर में, आप वहाँ पे देख सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में वहाँ आपको मिल जाएगा। ये देखिए मैंने खोला, ये खुल गया। नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ फ्री डाउनलोड का बटन है, यहाँ क्लिक करने से आपका ये टाइपिंग मास्टर जो है ये ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप लोग चाहें तो उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए ये मेरा डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इस पे डबल क्लिक करके इंस्टॉल करूँगा। मैंने डबल क्लिक किया, अभी देखिए मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये मेरा अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आप नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। यहाँ आई एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए और फिर नीचे में आकर के नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, आपका ये इंस्टॉल हो रहा है। देखिए ये इंस्टॉल हो गया, अभी आप फिनिश कर दीजिए इसको। यहाँ से फिनिश करने के बाद आपका ये एक बॉक्स खुल के आएगा आपके सिस्टम में। ये देखिए आपके डेस्कटॉप पे ये आइकन रहेगा, आप यहाँ से भी खोल करके डायरेक्टली आप जा सकते हैं। यहाँ से भी जब खोलेंगे, या तो देखिए यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में भी यहाँ पर है, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी टाइपिंग मास्टर है। इंस्टॉल होने के बाद आपका ये ऑप्शन यहाँ से मिलेगा, आप कहीं से भी चाहें तो उसको ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए यहाँ पे इंटर योर नेम है, यहाँ पे आपका वेलकम कर रहा है। आपको अपना एक यूज़र नेम यहाँ पे डालना होता है इस जो टाइपिंग मास्टर को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप दे दीजिए। मैं यहाँ पे IT सपोर्ट यूज़र नेम डाल देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद इंटर पे क्लिक करता हूँ। ये अभी यहाँ पे देखिए बता रहा है यहाँ पे लॉन्च टाइपिंग मीटर ऑटोमेटिकली। जो टाइपिंग मीटर है वो ऑटोमेटिक अगर लॉन्च, ये देखिए ये टाइपिंग मीटर है, अगर ये चाहते हैं ऑटोमेटिक लॉन्च होना तो आप इसको आप रहने दीजिए सिलेक्टेड। यहाँ पे वो इस जगह में टाइपिंग मास्टर, ये टाइपिंग मीटर जो है वो इस जगह में आपका अपियर होता रहेगा, तो इसको आप लोग रहने दीजिए। मैं इसके फायदे भी बताऊंगा आप लोगों को कि क्या फायदा है और किस तरह से इसका यूज होता है। देखिए यहाँ पे ड्रैग डाउन करने के बाद में यहाँ पे आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पे आस्क बिफोर लॉन्चिंग, डू नॉट लॉन्च टाइपिंग मीटर, आप तीनों में से जो एक ऑप्शन चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे डू नॉट लॉन्च टाइपिंग मीटर, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ कर दें। मैं आस्क बिफोर लॉन्चिंग पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन है, नोटिफाई मी व्हेन ट्रेनिंग इज नीड और नोटिफाई मी टेक ब्रेक एवरी 2 आवर्स, जो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको अनचेक भी रख सकते हैं। आपको अगर ज़रूरत है अपने ज़रूरत के अनुसार से तो आप इसको चेक अनचेक कर
कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्लिक करने से आपको टाइमिंग बताएगा कितना टाइमिंग में आपको नोटिफिकेशन चाहिए। 2.5 आवर्स जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे मैं लॉन्च करता हूँ। लॉन्च करने के बाद देखिए, ये स्टार्ट होने के लिए एक आपको बोल रहा है, स्टार्ट करने के लिए टच टाइपिंग कोर्स। तीन प्रकार का कोर्स है यहाँ पे। पहला कोर्स जो है वो टच टाइपिंग का कोर्स है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन इस कोर्स में क्या क्या है। ये ड्यूरेशन 3 घंटा 10 मिनट से 5 घंटा 20 मिनट का ये ड्यूरेशन है टोटल कोर्स कंप्लीट करने के लिए। इसमें 12 लेसन है। प्रोग्रेस देखिए, ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये दिखा रहा है नोट स्टार्टेड। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं ये जो नीचे वाला जो ऑप्शन है स्पीड बिल्डिंग कोर्स, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें भी देखिए, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ भी ये कोर्स आपका 1.5 घंटे से 2.5 घंटे का कोर्स है। यहाँ देखिए टाइमिंग दिया हुआ है, और ये इसमें 6 लेसन है, और प्रोग्रेस नोट स्टार्टेड। अभी मैंने जस्ट इंस्टॉल किया है, तो अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया है। ये देखिए, एक एक्स्ट्रा कोर्स है जो पेड वर्सन के लिए यूज़ होता है। अगर आप लोग इसको परचेज करते हैं तो ये कोर्स आपको मिलता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लोग टच टाइपिंग कोर्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जाके जस्ट आप लोग सिर्फ स्टार्ट, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ आप लोग को डिटेल्स, कि ये क्या क्या है और कैसे काम करता है। ये देखिए, ये टाइपिंग मीटर है। टाइपिंग मीटर के बारे में ये देखिए, यहाँ पे टाइपिंग मीटर आ गया जैसा मैंने बताया था पहले। यहाँ पे देखिए टाइपिंग ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में कीज नोट। इसमें आपको ये जो ट्रेनिंग दिखा रहा है टाइपिंग मीटर के द्वारा, आपको बताता है कि कौन सी कीज में प्रॉब्लम है, कैपिटल लेटर में कितना प्रॉब्लम हो रहा है आपको टाइप करने में। इस तरह से देखिए डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। अभी जब मैं स्टार्ट करूँगा तब आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये किस तरह से बताता है। ये स्टैटिस्टिक्स है, आपका वर्ड पर मिनट कितना, आपका स्पीड है, लास्ट 7 डेज में आपने क्या क्या किया है, ये पूरा डिटेल्स आपका इस स्टैटिस्टिक्स में आपका अवेलेबल होता है, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। कस्टम रिव्यू देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो कस्टम रिव्यू डाल सकते हैं। ये है मेरा टाइपिंग टेस्ट। ये कोर्सेस है देखिए, जैसे मैंने बताया था 12 कोर्स है, यहाँ पे टोटल कोर्स अवेलेबल है। आप जिस में भी क्लिक करेंगे वो चीज़ आपको देख के टाइप करना होता है। ये देखिए, गेम का ऑप्शन भी है यहाँ पे। आप अगर फ्री टाइम में चाहें तो यहाँ कुछ गेम खेल सकते हैं। बबल्स है, वर्ल्ड ट्रिप्स है, क्लाउड्स है, स्टैटिस्टिक्स जो मैंने बताया पहले, ग्रॉस स्पीड कितना है आपका और नेट स्पीड कितना है। ग्रॉस स्पीड मतलब जो आप टाइपिंग कर रहे हैं तो वो टोटल काउंट करता है ग्रॉस स्पीड में कि कितना हुआ। नेट स्पीड में आपका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में क्या कितना सही किया कितना गलत किया, उसके बाद ये बताता है। सेटिंग में देखिए, यहाँ पे साउंड है, स्पीड यूनिट है, वर्ड पर मिनट, स्क्रीन साइज आप चाहें तो यहाँ बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। अबाउट में जाने के बाद में ये टाइपिंग मास्टर 10 जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताता है। ये जो टाइपिंग मास्टर है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स बताता है कि आप किस तरह से, ये क्या क्या है इसमें। सो ये देखिए, ये इसका लेआउट है कीबोर्ड का, यहाँ पे दिखा रहा है आपके जो लैपटॉप का होता है। ये स्टडीइंग है, आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के, ये हर लेसन के बारे में कौन सा लेसन में क्या क्या है आपको यहाँ स्टडी, बेटर होगा आप पहले स्टडी कर ले फिर आप। यहाँ देखिए, ये 3 मिनट का स्टडी टॉपिक्स है, आप इसको स्टडी करके यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो आपको, आप स्टडी कर सकते हैं इसके डिटेल्स के बारे में कि कैसे टाइपिंग करना है। सो तो बेटर होगा आप कर लीजिए इसको एक बार स्टडी। मैं भी टाइपिंग टेस्ट में जाता हूँ। ये देखिए, टाइपिंग टेस्ट का ऑप्शन मैंने खोला। यहाँ से टाइपिंग टेस्ट का ऑप्शन खोलने के बाद में जस्ट ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ